am Jyoti, and today I am going to explain about model placement. Iska formula hai object plus model plus b plus verb ka third form object. Iska identity may be, can be, jaise वाक्य अंत में पे जा सकते हैं, जिसे सकता है, सकती है, मतलब वाक्य अंत में दिया रहेगा, और should be में वाक्य अंत में जो काम होना चाहिए, मतलब वो सेंटेंस में पता चल जाएगा. इसका फॉर एग्जांपल स्कूल में गाना गाया जा सकता है या सकते हैं, तो इसका फॉर्मेटिव है गाना ए सॉन्ग. हेल्पिंग वर्ब कैन बी, सकता है कैन बी का है, तो ए सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब कैन बी गाने के लिए सॉन्ग वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब गाने के लिए सॉन्ग इन स्कूल स्कूल में, तो ए सॉन्ग कैन बी सॉन्ग इन स्कूल. इसका नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगाना है, ए सॉन्ग कैन के बीच में नॉट बी सॉन्ग इन स्कूल. एंड इसका इंटरगेटिव कैन सामने आ जाएगा, फिर हेल्पिंग ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग कैन ए सॉन्ग बी, फिर उसका थर्ड फॉर्म सॉन्ग इन स्कूल क्वेश्चन मार्क. इसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें नॉट लग जाएगा, कैन ए सॉन्ग नॉट बी के पहले नॉट बी फिर सॉन्ग इन स्कूल फिर क्वेश्चन मार्क. जैसे इसका सेकंड एग्जांपल, लाइब्रेरी में बुक पढ़ा जा सकता है या पढ़ सकते हैं, तो बुक हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट बुक कैन बी का सेंटेंस, तो बुक कैन बी पढ़ने के लिए दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म इन लाइब्रेरी, बुक कैन बी रेड इन लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में बुक पढ़ा जा सकता है का अफर्मेटिव. अब थर्ड एग्जांपल है, किस बात को स्कूल में बोलना चाहिए, तो ये डब्ल्यूएच है, विच वर्ड किस बात को विच वर्ड बोलना चाहिए, ये Which word चाहिए should be का, तो which word should be in spoken in school. फिर for example coaching में क्यों पढ़ाया जा सकता है और या सकते हैं, तो why क्यों के लिए why can be, why can be taught मतलब पढ़ाने के लिए थर्ड फॉर्म होता है taught हमारा लास्ट सब्जेक्ट इन कोचिंग. Keep watching MEC, GAM4 Letters Updates. Please subscribe, like, share. Thank you.